नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, फ्यूचर मेकर की एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी 21 तारीख को 99.9% हमारे CMD सर की जमानत हो जाएगी और वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और बाहर आते ही लगभग 25 से 26 तारीख तक हमारे फ्यूचर मेकर का काम भी चालू हो जाएगा। वेबसाइट जो बंद है अभी, वो वेबसाइट भी चालू हो जाएगी और फ्यूचर मेकर के सारे जितने भी काम हैं वो सभी चालू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चल रही है, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, सॉन्ग भी बना बना के फ्यूचर मेकर भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ने हमें अभी लास्ट 21 तारीख दी है और 21 तारीख को फैसला हो जाएगा। और जैसे ही जमानत होती है, हमारे CMD सर बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही उनका पहला काम यही होगा, जितने भी फ्यूचर मेकर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग धैर्य बना के रखें, विश्वास बना के रखें। अभी हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, फ्यूचर मेकर की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए और उसके बाद नेगेटिव जो न्यूज़ जो मार्केट के अंदर फैल रही है उन्हें रोकिए और शांति बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है आपने। तो दोस्तों सुनिए ये ऑडियो। वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो ड्रीमर्स, मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आज लेकर आया हूँ। सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा, आज मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज तक अभी तक हमारी कंपनी की क्या क्या प्रोसेस हुई है, उन्हीं के बारे में बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहला चीज़ कि जो वहाँ पे हम लोगों ने सुना, जो सर ने हम लोगों को बताया कि कंपनी को बहुत हद तक 99% हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, तो इसी 21 को हमारा कोर्ट में फिर से पेशी होगा और 21 को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे CMD सर वहां से बाहर निकलेंगे। और CMD सर बाहर निकलने के बाद हमारा जो भी प्रोसेस होगा कंपनी की ओपन, मतलब ऑफिस ओपन को लेकर, साइट की जो सर्वर अभी प्रॉब्लम हुआ है उसकी उसको मेंटेन करने को लेकर, हमारी कंपनी 21 से लेकर 26 या 25 तक वो सारा ऑलमोस्ट डन कर लेगी। और 28 से 7 के बीच में हमारा कंपनी का पहला पे आउट रिलीज हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। वेट करने के साथ साथ सारे लीडर्स को हम लोगों को संतावना देना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कोर्ट की प्रोसेस होती है। और आप सभी लोगों को पता है थोड़ा सा ये गवर्नमेंट की प्रोसेस है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, और हम सभी लोग इंडिया में रहते हैं तो आपको भी पता है छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत बार घूमना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मैटर हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, हमारे फेवर में है। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखा सुना, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें को सीखने को मौका मिला। और फ्यूचर मेकर सच में एक क्रांति है डियर, क्योंकि आज ये चीज़ भी वहाँ पे डिस्कस किया गया, अगर 21 को सर हमारे बाहर नहीं निकलते हैं तो आज आप लोगों को ग्रुप में एक स्टाम्प पेपर दिया जाएगा। उस स्टाम्प पेपर के अंदर हम लोगों को कंप्लीट अपनी जो चीज़ें रिक्वेस्ट वहाँ पे किया गया है वही एज इट इज फॉलो करना, स्टाम्प पेपर बनाना है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि मैक्सिमम ग्रुप के अंदर या ड्रीमर वर्ल्ड के अंदर ओनली एडमिन मैसेज कर सकता है, वही हम लोगों ने अभी करके रखा है। इसीलिए करके रखा है क्योंकि कोई भी फालतू की निगेटिविटी स्प्रेड नहीं करना है, कोई फालतू की पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं डालना है। जो चीजें हम लोगों के पास आएगी वही एज इट इज मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, ताकि लोग, इससे क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है कल खुलेगा, कोई बोल रहा है परसों खुलेगा, कोई बोल रहा है आज खुल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स डर गए कि सर लोग बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत सारे लीडर्स कहाँ कहाँ से मैसेज उठा के ग्रुप में डाल देते हैं लेकिन ये सारी चीजें उनको समझ में नहीं आता है। और जो भी डाउनलाइन से जो भी लीडर्स हैं उनको लगता है कि सर बोल रहे हैं बट ऑफिस नहीं ओपन हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ओनली एडमिन मैसेज करवाया है ग्रुप के अंदर। तो जो भी गुड न्यूज होंगी हम आप लोगों को तुरंत देंगे, लेकिन वेरी वेरी सुन हम लोगों की ऑफिस एज इट इज खुलेगी। जिस तरीके से काम कर रहे थे उससे 100 गुना ज्यादा बाउंस बैक करेंगे और आने वाला टाइम के अंदर बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम सभी लोग फ्यूचर मेकर के लीडर्स हैं और आने वाला टाइम के अंदर बहुत बड़ा काम करके दिखाना है। और इस ड्रीमर वर्ल्ड फैमिली को जो सपना हम सभी लोगों ने मिलकर देखा है कि भारत का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप बना के दिखाएंगे, वो हम लोग करेंगे डियर।
और आप लोगों को बस इसी एक्साइटमेंट और इसी जोश और ऐसे ही पैशंस बना के रखना है। बहुत जल्दी हम लोग फिर से बाउंस बैक करेंगे और फिर से शेड्यूल बनाएंगे और पूरे इंडिया के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा कॉपरेट आप सभी लोग कर रहे हैं, टेक केयर ऑल। आपके लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, तेलंगाना पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला 420 का जो उन्होंने हमारे पर केस किया हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं। अब वो लोग फर्स्ट एड निकालने के लिए या अपने एविडेंस को पूरा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग अलग नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपको कंपनी से कोई शिकायत तो नहीं है, आपको प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, और हम सेटिस्फाइड हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा पे आउट भी समय से आता है, और ये सब चीज़ें हमारे फेयर में चलती रहेंगी तो बहुत जल्द हमारा ये मामला क्लियर हो जाएगा और हमारे सीएमडी सर बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और हमें एक नए तरीके से, नए विजन के साथ, नई उम्मीद के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। और आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की स्पोर्ट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सीएमडी सर को, अपने को, अपनी कंपनी को और हम सबको इतना सहयोग किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप वाकई तारीफ के काबिल हैं, आप लोग, आपने इतना पेशेंस रखा, बस कुछ दिन और पेशेंस रखिए और जीत हमारी होगी, डेफिनेटली होगी, परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। सच्चाई पे परेशानियाँ जरूर आती हैं फ्रेंड्स, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबको मैसेज आप डाल दीजिए ताकि सबको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। जो सीनियर्स लीडर हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि अपने क्रांतिकारी लीडर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें। देखो दोस्तों, ऐसा है, अगर हम फ्यूचर मेकर के साथ आज हैं तो कल फ्यूचर मेकर हमारे साथ होगी। अगर हम आज फ्यूचर मेकर के साथ नहीं होंगे तो कल हमारे लिए भी फ्यूचर मेकर नहीं होगी। इसलिए हमें धैर्य और बना के रखना है, शांति बना के रखनी है। प्रशासन जो काम कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसे करने दीजिए। आप 1% चिंता मत कीजिए, फ्यूचर मेकर हमारी है और हमारी ही रहेगी। जय फ्यूचर मेकर, मैं फ्यूचर मेकर के साथ हूँ। राधे राधे।